अब भक्ति ऐसा तो है नहीं कि जात पात देख करके आती हो, ऐसा भी नहीं भक्ति ऊंच नीच कुल देख के आती हो, ऐसा भी नहीं कि भक्ति तुम्हारा धर्म मजहब संप्रदाय देख करके आती हो। भक्ति तो रत्न है, कब किसकी झोली में प्रभु डाल दें कोई भरोसा नहीं। तो आज ऐसे ही भक्तों का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं जो जाति और धर्म से उच्च कोटि के नहीं थे, पर उनके जीवन की भक्ति ने उनको उच्च, जो कुल के लोग होते हैं, उच्च जाति के जो लोग होते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ बना दिए, जिनका नाम है श्री कबीर दास जी। श्री कबीर दास जी जिनका जन्म हिंदू धर्म में ना होते हुए भी इन्होंने कितनी भगवान की भक्ति की, कितना भजन किया, कितनी नाम में निष्ठा थी, उन कबीर दास जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। कबीर दास जी के जीवन को लेके कुछ लोग में थोड़ा संशय है। कई लोग आज भी कबीर दास जी के जीवन को रूखा, उनको केवल ज्ञानी मानते हैं कि वो भक्त नहीं थे, बस ज्ञानी थे। कबीर दास जी के चरित्र को अगर आप भक्तमाल में पढ़ेंगे तो कबीर दास जी भगवान के श्रेष्ठतम भक्तों में से एक है, रसमय भक्तों में से एक है। कबीर दास जी बुद्धि से अत्यंत गंभीर थे और उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। जाति पाति सबको विवाद समझ के त्याग करके एकमात्र निष्ठा से कबीर दास जी भजन करते थे। अब कबीर दास जी किसके अवतार थे, इसके विषय में भक्तमाल में लिखा है कि भक्त प्रहलाद जी के ही अवतार हैं श्री कबीर दास जी। और प्रहलाद जी की कथा तो आप सबने भागवत के माध्यम से कितनी बार सुनी है, कितने परम भक्त थे प्रहलाद जी। उन्हीं का अवतार कलयुग में श्री कबीर दास जी के रूप में प्रकट हुआ। वंदौ श्री प्रहलाद जिन धन्यो धर्यो रूप कबीर, कली मद मर्दन वीर वर सिद्ध समर रण धीर। ऐसे श्री कबीर दास जी, इनका प्रागट्य हुआ ज्येष्ठ पूरन मासी को सोमवार को। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ढये, जेठ सुधी वर सायत को पूरन मासी प्रगट भय। अब इनका प्रागट्य कैसे हुआ इसके विषय में भी कई लोगों के अलग अलग भाव हैं, कई कथाएं हैं कबीर दास जी के प्रागट्य की। पहली जो कबीर दास जी के प्रागट्य के संबंध में जो कथा आती है वो इस प्रकार है। पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहता था, वो स्वामी जी की निरंतर सेवा करता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण को किसी कार्यवश बाहर जाना था, तो उसने अपनी पुत्री को कहा कि बेटी तू जाना और स्वामी जी की आज पूरी सेवा तू करके आना। तो पुत्री आ गई, आकर के उसने बड़े भाव से, बड़ी भक्ता थी, सेवा की। श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए उसकी सेवा को देख करके, पूरी सेवा करके। जब वो जाने लगी तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया, और जैसे स्वामी जी को प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। अब जैसे उस कन्या ने यह आशीर्वाद सुना तो एकदम कांप गई कि स्वामी जी ने यह क्या आशीर्वाद दे दिया। निवेदन किया कि महाराज मैं तो कुंवारी हूँ, अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि विधवा है, भक्तमाल में लिखा है कुंवारी थी। महाराज अब ये आपने वरदान दिया, क्या होगा। अब स्वामी जी भी चिंता में पड़ गए कि वरदान तो हमने दे दिया। उसी बीच भगवान नारायण ने कलयुग का हालचाल जानने के लिए माता लक्ष्मी जी को भेजा कि पृथ्वी पर आप देख कर के आओ हालचाल धरती का कैसा है। तो
तो माता लक्ष्मी जी भूलोक में आई हुई थी, चारों ओर देख रही हैं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। उसको देख के माँ लक्ष्मी एकदम चिंतित हो गई और मन में विचार आया कि इस समय तो आवश्यकता है कि कोई भगवान का परम भक्त अवतार ले। ये सोच करके लक्ष्मी जी विहार करती करती श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम कुटिया में पहुंच गई और देखा तो स्वामी जी चिंता में बैठे थे, उसी चिंता में जो वरदान दिया था। लक्ष्मी जी ने पूरा हालचाल जाना, देखा कि वो कन्या भी सामने खड़ी है, तो एक तुलसी पत्ता लिया और उस तुलसी पत्र को उस कन्या को दे दिया। कन्या उस तुलसी पत्र को लेके अपने आंचल में छुपा करके अपने घर की ओर आ रही थी। अब जैसे घर की ओर बढ़ रही है तो जो उसने अपने आंचल में छुपा रखा था तुलसी पत्र, धीरे धीरे उसको उसका भार ज्यादा लगने लगा कि वजन बढ़ रहा है। लेकिन तो एक तुलसी पत्र आई थी, यहाँ तो पूरा वजन बढ़ रहा है। तो जैसे उसने आंचल हटाया तो उसकी गोद में एक बड़ा सुंदर नन्ना सा शिशु उसे प्राप्त हुआ और वो शिशु कबीरदास जी ही थे, जो साक्षात गुरु की कृपा से, श्री रामानंदाचार्य जी की कृपा से और साक्षात भगवान के द्वारा प्रेरणा लक्ष्मी जी को हुई और लक्ष्मी जी के द्वारा वो पत्र, तुलसी पत्र उस कन्या को मिला। अब कन्या को शिशु तो मिल गया, पर अब घबराई कि घर लेके कैसे जाऊं। घर लेके गई तो चारों ओर खूब मेरी लोग हंसी उड़ाएंगे, विरोध करेंगे। तो उसने एक पास में लहर तारा नाम का तालाब था, उस तालाब में उस बालक को बहा दिया। देवयोग से उसी तालाब के पास से नीरू और नीमा नाम के एक दंपति जा रहे थे। दोनों दंपति संतानहीन थे, उनको संतान थी नहीं। जैसे बालक की नीरू और नीमा को रोने की आवाज़ आई सो रुक गए और देखा तो एक शिशु कमल के पत्ते पर मुस्कुरा रहा है। तो पत्नी ने कहा, निवेदन किया कि स्वामी आपकी आज्ञा हो तो इसको हम अपने साथ ले चलें, और दोनों उस बालक को घर ले आए। और इस प्रकार नीरू और नीमा कबीरदास जी के माता और पिता बन गए। तो एक कथा कबीरदास जी के प्रागट्य की ये है, एक कथा जिसमें सिर्फ इतना वर्णन आया है कि कबीरदास जी स्वतः ही कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग मत के अनुसार श्री कबीरदास जी का प्रागट्य हुआ है। अब जो आरंभ में मैंने कहा कि वास्तविकता से लोग अनभिज्ञ हैं, लोग कहते कि कबीरदास जी तो निर्गुण निराकार को मानते थे, अद्वैतवादी थे, निर्गुण निराकार का ध्यान करते थे, शुष्क ज्ञानी थे। पर इसके उत्तर में भक्तमाल में एक बड़ा प्यारा चरित्र है जिससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि कबीरदास जी शुष्क ज्ञानी नहीं थे, परम प्रेमी थे भगवान के। हमारे ब्रज के ही एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए श्री हरिराम व्यास जी। व्यास जी के अनंत पद हैं, हम सब गाते हैं। तो हरिराम व्यास जी सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग करते करते हरिराम व्यास जी ने ये कह दिया, अरे कबीरदास जी तो ज्ञानी थे, वो भला निकुंज लीला क्या जाने, प्रिया प्रीतम की क्या लीला होती है कबीरदास जी को क्या पता, ऐसा उनके मुख से निकल गया। अब बोल तो दिया, अब शाम को आए, अब उनका नियम था व्यास जी का नित्य ध्यान करना, राधा माधव का लीला का दर्शन करना। पर आज जब व्यास जी ध्यान करने बैठे तो राधा माधव गायब थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सोचा कि हो सकता है बुद्धि कभी कभी बोरा जाती है, कहीं और लग गई होगी, चलो थोड़ी देर बाद ध्यान करेंगे। थोड़ी देर बाद फिर प्रयास किया एकाग्र होने का, फिर कोई ध्यान नहीं, कोई लीला दर्शन नहीं। जब बार बार ये होने लगा तो समझ गए कि हमसे कोई महत अपराध हुआ है, किसी बड़े महत्पुरुष का अपराध हुआ। मैं बार बार कहती हूँ, भजन ना करो कोई बात नहीं, चल जाएगा, पर किसी
संत महापुरुष का कभी अपराध मत कर देना, क्योंकि अपराध किया तो वो जितना भी बैंक में वैसे तो बैलेंस है ही नहीं हमारे, थोड़ा बहुत जो कर भी लेते हैं एक आध माला कोई थोड़ा बहुत है भी, तो वो भक्त अपराध करने से तुरंत नष्ट हो जाता, तुरंत माने तुरंत। एक कोई रुई का पहाड़ हो तो उसको जलाने के लिए 2-3 घंटे नहीं लगते हैं, बस एक तिल्ली लगाओ एक क्षण में पूरा की पूरा जो आग के उस अंबार में पूरा जल जाएगा। ठीक वैसे ही भक्ति कितनी भी हो पर संत अपराध भक्त अपराध सबको नष्ट कर देता। अगर कभी आप भजन कर रहे हो, भजन अच्छा चल रहा है, ये जांचने की प्रक्रिया है, भजन अच्छा चल रहा हो पर अचानक से कुछ अगर भजन में गड़बड़ी होने लगे तो फिर थोड़ा बैठ के ध्यान करिए, सोचिए कहाँ गलती हुई, किस महापुरुष का आपने अपराध किया। और अगर महापुरुष कोई संत जिनका आपने अपराध किया हो पता लग जाए तो उनसे तुरंत जाके क्षमा मांगिए। तो हरि राम व्यास जी तो बड़े परेशान हुए, दिन बीते क्या करें, तो अंत में वो हार करके स्वामी श्री श्री हित हरिवंश महाराज के समक्ष पहुँचे, उनसे निवेदन किया। तो महाराज ने श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि तुमने कोई महत अपराध किया है, तो बोले हाँ हमने सत्संग में एक बार कह दिया कि कबीर दास जी क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम को। तब श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि यही आपका भक्त अपराध है। अरे कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, जब ते हरि चरणन रति उपजी तब ते बुन्यो न चीर। कलिकाल में ऐसे परम भक्त कबीरदास, जाओ यमुना के घाट पे बैठो, कबीरदास जी का ध्यान करो, उनको मनाओ और वो प्रकट हो तो उनसे क्षमा मांगो। तो श्री हरि राम व्यास जी ने यमुना के घाट पे खूब ध्यान किया, यही पद गाया और जैसे पद समाप्त हुआ उसी समय श्री कबीरदास जी प्रकट हो गए। हरिराम व्यास जी ने दौड़ के श्री कबीरदास जी के चरण पकड़ लिए। महाराज हमसे भूल हो गई, कबीरदास जी ने कहा कि हाँ माना कि हमारी रचनाओं में लीला रस ज़्यादा नहीं है, पर भगवान सबको अलग अलग वस्तु के लिए चुनते हैं। व्यास जी आपको चुना भगवान की लीला गाने के लिए, सूरदास जी को चुना उनकी लीला गाने के लिए, हमको चुना है भगवान ने कुछ जीवन की वास्तविकता बताने के लिए, हम वही अपने पदों में गाते हैं। कबीरदास जी के खूब सुंदर सुंदर जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए ऐसे पदों का कबीरदास जी ने गान किया है। भक्तमाल में लिखा है भक्ति के 5 रस हैं, शांत रस, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य रस, सख्य रस। इन 5 रसों के पद भी कबीरदास जी ने गाए। उदाहरण शांत रस, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, ये शांत रस का पद लिखा है। दास्य रस, कबीर कहते हैं मैं गुलाम मोही बेची गुसाई तनमन मेरा राम जी के ताई। मैं दास मतलब दास्य रस आ गया, उनके दास का भाव आ गया। सख्य रस, सखा के भाव में पद लिखा। कहे कबीर यह हेत विचारा यारब यारब यार हमारा, ये हो गया सख्य रस, सखा का भाव। फिर वात्सल्य रस में कहते हैं पूत प्यारो बाप को, वात्सल्य भाव आ गया। पूत प्यारो बाप को गोहिन लागा धाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाई। और अंत में श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में लिखते हैं हरी मेरा पीव मैं हरी की बहुरिया, हरी मेरा पीर और मैं हरी की बहुरिया, राम बड़े में छुटुक लुहरिया। ये श्रृंगार रस है, मैं हरी की बहुरिया हूं, राम मेरे प्रियतम हैं,
ये भाव है कबीरदास जी का। जो लोग कबीर कबीर गाते हैं ना, सुनिए कबीरदास जी कितने परम भक्त हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कबीरदास जी की नाम में निष्ठा। आहा, कितनी नाम में निष्ठा है कबीरदास जी की, ये अनेक उदाहरण शास्त्रों ने बताए। कबीरदास जी के समय में वर्णन आया बादशाह सिकंदर का, सिकंदर राजा, सिकंदर लोदी। तो एक बार इसने बड़ा कबीरदास जी का वैभव सुना था, तो सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को एक पत्र भेजा और उसमें प्रार्थना की कि महाराज आप एक महान ज्ञानी पुरुष हैं, साक्षात साहब के स्वरूप हैं, आपको एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें सब धर्म संप्रदाय मजहब सबके सिद्धांतों को एक ही ग्रंथ में प्राप्त कर लिया जाए, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए। तो पत्र भेज दिया कबीरदास जी के पास। अब कबीरदास जी ने एक वापस पत्र भेजा कि हे बादशाह, अगर आपको ऐसा कोई ग्रंथ लिखवाना है तो मेरे पास 1000 गाड़ी कागज भेज दो, खाली कागज, कोरे 1000 गाड़ी। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर जानते हैं सिद्ध महापुरुष है, 1000 कागज गाड़ी में भर के भेज दिए। अब उसमें लिखा क्या कबीरदास जी ने, ये कबीरदास जी की नाम निष्ठा देखिए। जब 1000 गाड़ी में कागज भर के आए तो इन्होंने बस एक कागज उठाया और उस पर राम नाम लिख करके गाड़ी में रख दिया। और गाड़ी जब बादशाह के पास पहुंची तो वर्णन आता है कि उस एक राम नाम के प्रभाव से उस 1000 गाड़ी के सारे पन्नों पर सब संप्रदायों के सिद्धांत लिखे हुए थे, एक राम नाम के प्रभाव से। इतना प्रभाव, इतनी विशेषता राम नाम की कबीरदास जी जानते थे, अन्यथा राम नाम क्यों लिखते। और राम नाम का उनका प्रभाव भी देखो कि सारे पन्ने भर गए सिद्धांतों से। ये राम नाम का प्रभाव है, ये प्रभु के नाम का प्रभाव है। फिर एक और दृष्टांत आया, कहते हैं कि कबीरदास जी बैठे बैठे चने खा रहे थे और चने खाते खाते राम 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 बोल रहे थे। तो एक व्यक्ति वहीं बैठा था, अब होते हैं ना कमी निकालने वाले तो हरी जगह मिल जाते हैं। तो बोला, कैसे भक्त हो आप, मुंह आपका झूठा और राम नाम ले रहे हो, झूठे मुंह थोड़ी राम नाम लिया जाता है, बड़बड़ाया वो। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कबीरदास जी ने समझाया कि भैया राम नाम ही सबसे बड़ी मुख की शुद्धि का उपाय है। कोई ये कहे कि जी हमने कुल्ला कर लिया, लो पानी पिया और फेंक दिया, मुख शुद्ध हो गया, नहीं नहीं नहीं, इससे मुख थोड़ी शुद्ध हुआ। मुख कब शुद्ध होगा, मुख की शुद्धि उसमें है जब जिभ्या राम 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 कहेगी, तब समझना कि अब मुख तुम्हारा शुद्ध हो गया। इतनी नाम में निष्ठा थी कबीरदास जी को। और इनकी नाम निष्ठा का परिणाम क्या हुआ, बोले इनकी नाम निष्ठा का परिणाम ये हुआ कि एक बार कबीरदास जी तालाब के किनारे बैठे बैठे राम 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 गा रहे थे, तो पीछे से इनको आवाज आई झाड़ियों के पीछे से, कबीर 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 कबीर। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, पास नजदीक जाके देखा तो पूछा, भैया कौन कबीर कह रहा है, तो वहां बैठे भगवान बैठे बैठे कबीर कबीर बोल रहे थे। मन, भगवान ने उत्तर दिया, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। मन ऐसा निर्मल हो गया नाम से कि भगवान कबीर कबीर कहते फिर रहे। तब कबीरदास जी ने ये सुन के उत्तर दिया, कबीरा कबीरा क्यों कहे जा जमुना के तीर, कबीरा कबीरा क्यों कहे जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर।
कबीर दास जी ने अपने दो गुरु माने हैं, एक तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी और दूसरा प्रेम का गुरु माना है गोपियों को। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अब बताइए कौन कह सकता है कि कबीर जी प्रेमी नहीं थे। खूब खूब नाम में निष्ठा थी और बार बार चेतावनी जरूर अपने पदों से कबीरदास जी ने दी है। कह रहे हैं कि भैया अब ज्यादा समय नहीं है, भगवान का भजन करने के लिए यही सबसे अच्छा समय, जितना अभी भगवान का भजन कर सकते हो कर लो। बड़ा प्यारा कबीरदास जी का पद है। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो। जब जोवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे, जब जो भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बार बार समझा रहे बाल अवस्था खेल गवाए। छोटे थे तो क्या कह देते थे, अरे अभी तो बालक है, अभी क्या आवश्यकता है इसको भजन करने की। तब बचपन निकल गया ऐसे खेलने खेलने में, फिर बड़े हुए जवान हुए पढ़ाई करो, फिर अपना घमंड अपना मान आ गया, जवानी का मान आ गया, और धीरे धीरे समय बीतता चला गया, निकलता चला गया। इसलिए कबीर दास जी सावधान करते हैं, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल।
कबीरदास जी कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना, एक एक करके सारे दिन बीतते चले गए भगवान के नाम के बिना। तो अभी भी समय है। कबीरदास जी को इतना प्रेम था भगवान नाम से कि भगवान एक बार स्वयं प्रकट होके कबीरदास जी को कहते हैं कि कबीरा मेरे धाम आओ, चलो मेरे साथ मेरे धाम चलो। जैसे भगवान ने कहा तो कबीर रोने लगे। प्रभु ने पूछा कि अरे भगवान तो सब बंधनों से छुड़ा रहे हैं, बंधन मुक्त करके अपने धाम ले जा रहे हैं, फिर क्यों रो रहे हो? तो कहते राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। जो सुख आपके सत्संग में यहाँ प्राप्त हो रहा है प्रभु वैकुंठ में थोड़ी मिलेगा। इसलिए रोने लगे कबीरदास जी की ना हमें आपके साथ नहीं चलना। इतने परम भक्त थे, नाम में इतनी निष्ठा थी। कबीरदास जी ने बार बार कहा है, मैं आज जो कबीरदास जी के चरित्र को श्रवण कराने का मेरा उद्देश्य यही है, लोग समझे कि कबीरदास जी ने नाम के लिए कितनी कितनी रुचि रखी। और कबीरदास जी ही क्या, नाम की महिमा किसने नहीं गाई है? निर्गुणवादी संत, सगुणवादी संत, नानक, सूर, कबीर आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी, अद्वैत मत वाले समस्त आचार्यों ने भी भगवान के नाम की महिमा को गाया है। और परम नाम निष्ठ थे। अब इनको गुरु कैसे प्राप्त हुए ये भी एक अद्भुत घटना है। कबीरदास जी को दीक्षा कैसे मिली? कहते हैं कि कबीरदास जी के पास मंत्र दीक्षा नहीं थी, और शास्त्र में लिखा है कि गुरु नहीं तो भक्ति में अनुभव नहीं होंगे, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो क्या करें, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कबीर को कहा कि तुम गंगा के घाट पे जाके थोड़ी देर बैठ जाओ। तो कबीरदास जी आए, गंगा के घाट पर बैठ गए। उसी समय गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु भी वहीं से गुजर रहे थे। तो उनका नियम था वो राम 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 कहते हुए चलते थे। अब जैसे राम राम कहते हुए वहां से गुजरे, कबीर जी के कान में राम राम आया, बस खुश हो गए कि हमको दीक्षा मिल गई, हमको गुरुजी ने राम नाम दे दिया, ये हमारे गुरु हो गए। और कबीरदास जी ने उन्हीं को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। घर आए और जैसे दीक्षा के उपरांत मस्तक पर चंदन धारण करना, गले में कंठी पहनना, ये शिष्य को करना चाहिए ये सब नियम। तो कबीरदास जी वही सब नियम करने लगे। रामानंदाचार्य महाराज का जो तिलक है रामानंदी, वो लगाने लगे, तुलसी पहनने लगे, कंठी पहनने लगे, माला करने लगे। अब तो इनकी मैया बड़ी घबरा गई। इनकी माता को बड़ा घबराहट हुआ कि ये लड़का तो पूरा हिंदू बाबा जी हो गया। अब इनकी मैया ने जाके श्री रामानंदाचार्य जी को शिकायत की कि महाराज हमारा बेटा ऐसे ऐसे आपको गुरु मानता है, जबकि आप तो दीक्षा ही नहीं दिए। अब गुरु जी को लगा, जो वास्तविक शिष्य होता ना, गुरु भी पहचान लेता है कि इसमें कोई तो बात है। तो श्री कबीरदास जी को बुलाया गया। श्री रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा दी कि कबीर को बुला के लाओ। कबीरदास जी आए, पर्दा लगा था, पर्दे के पीछे स्वामी जी विराजमान थे, कबीर पर्दे के उस पार बैठे थे। गुरु श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा कि भैया मैंने तुझको कहाँ दीक्षा दी जो तू मुझे गुरु बताता है? तब कबीर ने कहा, याद करिए प्रभु, गंगा के घाट पर आप निकल के गए थे, आपने राम राम कहा था, और बस वो राम राम मैंने अपने हृदय में बसा लिया, और उसी दिन से आपको अपना गुरु मान लिया। और प्रभु मैंने तो सुना है राम नाम से बड़ा इस दुनिया में कोई मंत्र ही नहीं है, मेरे लिए तो आप ही मेरे गुरु हो, वही मेरी दीक्षा है। बड़े प्रसन्न हुए रामानंदाचार्य जी, कबीर को पास बुलाया और अपने हृदय से लगा लिया, और फिर विधिवत कबीर को दीक्षा प्रदान की।
कबीरदास जी ने लिखा, कबीर सदगुरु हमसो रीझ करी कह्या एक प्रसंग, बरसा बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। प्रेम के रंग में गुरुदेव ने सारे अंगों को भिगो दिया। सदगुरु के परताप ते मिट गए सब दुख द्वंद, कहे कबीर दुविधा मिटी जब गुरु मिलिया रामानंद। कबीर रामानंद का सदगुरु मिले सहाय, जग में जुगति अनूप है सोई दई बताए। अनेक पदों में कबीरदास जी ने अपने गुरु का वर्णन किया है। गुरु से ये दीक्षा प्राप्त हो गई, राम नाम प्राप्त हो गया, और फिर कबीरदास जी इस राम नाम का समस्त जग में प्रचार करते हैं। सबको कहते भैया राम कहो, राम कहो। कोई कहता क्या राम कहने से क्या मिलेगा, तो कबीरदास जी कहते खर्चा कुछ नहीं लगेगा पर मिल सब कुछ जाएगा। हो तेरी कौड़ी लगे ना दाम रे, हो तेरी कौड़ी लगे ना दाम रे, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे हरि नाम। हो तेरी कौड़ी लगे ना दाम रे, हो तेरी कौड़ी लगे ना दाम रे, हो तेरी कौड़ी लगे ना दाम रे, हो तेरी कौड़ी लगे ना अमर हो गया। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद पिया, पिया भगत रैदास, पिया भगत रैदास, पिया भगत रैदास। हाँ ध्रुव ने पी तेरी कौड़ी
पिया पिया और न पिया कोए, दीवाने पी ले रे हरि नाम। अब कबीर दास जी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कपड़े बुना करते थे, तो एक तरफ कपड़े बुनते थे और एक तरफ दूसरी ओर जिह्वा से राम नाम लेते रहते। अब वस्त्र बुनते बुनते भगवान का नाम ले रहे। अब कोई पूछे जी ऐसे दो काम एक साथ कैसे हो सकते, बोले क्यों नहीं हो सकते, जब नाम जपने का अभ्यास हो जाता है ना और जब प्रेम हो जाता है तो भक्त राम नाम नहीं जपता, राम नाम भक्त को जपता है। जैसे एक कमल जहां होगा उसके मकरंद की खुशबू पाके भवरा उड़ता उड़ता कमल पर पहुंच जाएगा, वैसे जो शुद्ध चित्त होता है ना वहां भगवान राम का नाम स्वयं उड़ करके आ जाता है उसके चित्त में और उसकी जिह्वा पर बैठने। कहते भगवान का मन ललचाता है ऐसे भक्तों को देख के कि हम इनके पास पहुंच जाएं, हमारा नाम इनके पास पहुंच जाए। बाबा कबीर नाम लेते रहते थे और अपनी दुकान पे बैठे रहते। एक दिन इनकी दुकान पर एक संत आए, कपड़ा का काम इनका था ही, तो संत ने कहा कि महाराज हमको थोड़े कपड़े की थान की आवश्यकता है। तो कबीर दास जी ने जितना भी दुकान का थान था जितना उनके पास सब संत को दे दिया और सब संत को दे करके सोचा कि अगर इस कपड़े की बिक्री होती तो पूरे दिन यहाँ बैठना पड़ता, पर अच्छा हुआ ये संत आ गए, इनको भेंट में पूरा दे दिया, अब दुकान पे बैठना नहीं पड़ेगा, दुकान बंद करके कहीं जंगल में जा करके भजन करने लगे। अब भजन में इतने तल्लीन हो गए कि इनको याद ही नहीं घर में एक परिवार है, कबीरदास जी की पत्नी थी जिनका नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमाली था, एक माँ थी, पिताजी का देहांत हो चुका था। अब घर में भोजन की व्यवस्था नहीं, क्या खाएं, पूरा परिवार भूखा है, एक कमाने वाला सो गायब, पता नहीं कुछ उसका आता पता ही नहीं। अब जब करुणा निधान भगवान ने देखा कि कबीर का पूरा परिवार भूखा है, किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो ठाकुर स्वयं आज कबीर का रूप बना करके कबीरदास जी के घर पहुंच गए। कबीर के घर ठाकुर जी पहुंचे और ऐसे ही नहीं खूब सारा माल लेकर के आज कबीर के घर प्रभु आए हैं। 500 बैलों पर बहुत सारा धन धान्य राशन सामग्री लेकर के आए और जब पहुंचे तो कबीर की मैया ने पूछा, रे ये सब सामान ये सब कहाँ से आया? तो बोले आज दुकान में खूब सारा सामान बिका है, उसके बदले मैं ये धन धान्य लाया हूँ। अब मैया ने वो सामान तो रख लिया, एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन के बाद कबीरदास जी घर लौट करके आए और जैसे कबीरदास जी घर आए देखा पूरे घर में चारों तरफ वस्तु सामग्री भरी हुई है। अब कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरी घटनाक्रम पूछा तो पता चला कि ये सब तो मेरे ठाकुर का दिया हुआ है, उनका दिया है तो उनके जनों में सेवा में ही लगाना चाहिए। ये सोच के कबीरदास जी ने सारा जो संपत्ति सामान है सब साधुओं में लुटा दिया, सब संतों में लुटा दिया, जो धन था सब बाबा जियों को दे दिया। संत आनंदित हो गए और इस घटना के बाद अब तक तो कबीरदास जी थोड़ा बहुत दुकान पे बैठ जाते थे पर अब तो मन राम नाम में ऐसा लग गया कि तनना बुनना त्यजा कबीर, तनना बुनना त्यजा कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर, जब लग भरो नली का बेह तब लग टूटे राम स्नेह, ठाड़ी रोवे कबीर की माई ए लरिका क्यों जीवे खुदाई, कहे कबीर सुनोरी माई पूरन हारा
त्रिभुवन राई। माँ समझाती है, पत्नी समझाती है, पर कबीर तो अब ठान चुके थे कि अब एकमात्र हम भगवान का भजन करेंगे, सब छोड़ छाड़ दिया। अब इधर क्या हुआ, ले जब कबीर दास जी ने पूरा सामान साधुओं में लुटा दिया तो ब्राह्मण इनसे रूठ गए। ब्राह्मणों को तो थोड़ा होता ना कि हम ब्राह्मण श्रेष्ठ जाति हैं तो धन धान्य का अधिकार भी हमें ही है। कबीर को कहा कि तुमने सारा सामान बाबाजियों में लुटा दिया, अरे कुछ ब्राह्मणों को देते, ब्राह्मणों की कुछ पुष्टि करते, तुमने अपमान किया है हमारा, ये जगह छोड़ करके चले जाओ। कबीर दास जी ने कहा कि प्रभु हमने तो कोई गलत काम किया नहीं, तो हम स्थान छोड़ करके क्यों जाएं, हमने किसी की चोरी नहीं की, कोई लूट नहीं की, हम क्यों जाएंगे। ब्राह्मण रुष्ट हो गए, नहीं नहीं तुमने अपमान किया है हमारा, या तो हमें उतना धन्य दान हमें भी दो, और नहीं तो हम ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पे बैठ के अनशन करेंगे, भूखे मर जाएंगे और ब्राह्मण हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। कबीर दास जी बोले ये बढ़िया भला है, एक बार दान दिया तो अब दोबारा अब हम कहाँ से, पहला वाला भी हमारा थोड़ी था, वो भी ठाकुर जी दे के गए थे। अब जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाए, कबीरदास जी भागे और एक मंडी में जाके छुप गए। मंडी में जाके छुप गए, अब प्रभु तुम समारो, तुम्हारी मर्जी। अब ठाकुर जी ने सोचा एक बार तो लाज रख ली हमने, अब दोबारा भी रखनी पड़ेगी क्योंकि भक्त वत्सल, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। तो भगवान स्वयं दोबारा आए हैं कबीर दास जी का रूप धारण कर, एक दो बार नहीं तीन बार कबीर बन करके भगवान कबीर के घर आए थे। ये दूसरी बार है जब कबीर दास जी का रूप बना करके भगवान पधारे हैं, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी है, इतनी दान दक्षिणा बांटी कि ब्राह्मणों के मुख से आशीष निकला कि हे कबीर तुम्हारा संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति और प्रेम से भर जाए, ऐसा आशीर्वाद दे करके सब ब्राह्मण वहाँ से विदा लेते हैं। अब ब्राह्मण तो विदा हो गए, अब ठाकुर जी ने सोचा कि जो जिसको यहाँ होना चाहिए था वो कहाँ गायब है, जरा उसका भी पता लगाएं। देखा कि मंडी में छुपा बैठा, ठाकुर जी कबीर से मिलने आए। मंडी में कबीर दास जी छुपे थे, सामने कबीर ने देखा एक कोई व्यक्ति आ रहा है तो समझ गए कोई ब्राह्मण आया है, जिनको हम घर छोड़ के आए कोई सा दक्षिणा मांगने आया। अब कबीर दास जी सोच रहे ये ब्राह्मण भी भैया बड़े जैसे मीठा सूंघ करके चींटी पहुंच जाती है ना, तो ब्राह्मणों को यजमान की सुगंध आ जाती है कि ये यजमान है, ये बढ़िया माल पानी देंगे। तो कबीर दास जी सोच रहे हैं कि ये सूंघते सूंघते यहाँ आ गए। अब जैसे थोड़ा झुक के देखा तो एक देखते एक ब्राह्मण खड़ा है, भगवान ब्राह्मण का रूप बना के आए। कबीर ने पूछा ब्राह्मण देवता हमें क्षमा कर दो, ब्राह्मण बोले काय की क्षमा, अरे तुम्हारे यहाँ से तो देखो कितना माल पानी, ये सोने की मोहरे, इतनी दक्षिणा हम सबको प्राप्त हुई है। अब कबीरदास जी समझ गए कि एक बार पुनः मेरे ठाकुर ने, मेरे प्रभु ने मेरी लाज बचा ली, मेरी रक्षा कर ली, एक बार पुनः साबित कर दिया कि ये भक्त वत्सल है। अब चारों तरफ हल्ला मच गया कि अरे स्वयं भगवान आए थे कबीर बन करके, कबीर के लिए भगवान ने इतना कुछ किया, ये इतने अद्भुत भक्त है। अब इतनी जब बड़ाई होने लगी संसार में कबीरदास जी की, तब कबीरदास जी ने सोचा कि अब थोड़ा मेरी भक्ति को खतरा है। ध्यान देना, जब ज़्यादा बड़ाई होने लगे, बहुत प्रशंसा होने लगे, तब ठोकर लगने का बड़ा खतरा रहता है। लोक मान्यता अनल सम करतप कानन दाहू, लोक मान्यता जो होती है ना वो अनल अग्नि के समान होती है, दिखने में बड़ी मान बड़ाई प्रतिष्ठा बढ़िया लगती है पर ये साधु के लिए बड़ी घातक होती है। व्यास बड़ाई जगत की कूकर की पहचान, हरिराम व्यास जी कहते कितनी बड़ी बात है, हम जैसे लोग कहाँ समझ पाएंगे, हमारी तो कोई दो बड़ाई के शब्द बोल दे तो फूल जाते हैं।
हाँ हम ते बड़ो कोई वक्ता ही ना है। व्यास बड़ाई जगत की कुकर की पहचान, प्रीति किए मुख चाटे वैर किए तनहानी। व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार। व्यास जी कहते हो कोई और की बड़ाई हो तो बड़ा प्रसन्न होता, पर मेरे मन धिक्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सूकर की विष्ठा के समान होती है, ऐसा शास्त्र बार बार कह रहे हैं। अब क्या करूं जो मैं इस प्रतिष्ठा से दूर भाग सकूं? तो कबीर दास जी ने एक अलग ही प्रपंच रचा। क्या किया कबीर ने? बड़ाई से बचने के लिए एक वैश्या को कुछ पैसे दिए और कहा कि आज मैं तेरे ठिकाने पर आऊँगा जहाँ तू रहती है, तेरे साथ रहूँगा। लोग मुझे देखेंगे कि वैश्या के साथ बैठा है तो जगत में मेरी बड़ी बुराई होगी, लोग धिक्कार करेंगे मेरा, और फिर मैं इस प्रशंसा इस बड़ाई से बच जाऊँगा। ऐसा ही किया कबीरदास जी ने। एक बोतल लेके गिलास में जहाँ सारे मदरा पीते हैं वहाँ उन्होंने गंगा जल पान कर रहे हैं। वैश्या सामने बैठी है, लोग आते जाते देखते जा रहे, हाथ में कुछ लगा है गिलास। अब कोई झांक के थोड़ी देखे कि गंगा जल है कि क्या है। सब ने कहा कि कबीर बैठा बैठा वैश्या के साथ मदरा पी रहा। यही कुसंग का सबसे बड़ा परिणाम होता है कि आप चाहे अच्छा भी काम करो पर कुसंग के साथ बैठोगे तो दुनिया में बदनामी ही होगी। तो वैश्या के साथ कबीरदास जी को देखा तो सब जगह ये स्वांग तो रच लिया, पर जो सच्चे संत थे वो जानते थे कि कबीर ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, इसका कोई तो भाव है। सब संतों ने जाकर के कबीरदास जी से निवेदन किया, हे कबीरदास जी, हम जानते हैं इसके पीछे कोई आपकी लीला है, पर हाँ एक निवेदन आपसे है, आप भले ये लीला कर रहे हो पर आपकी ये लीला करने के कारण लोग आगे चल करके जो संत स्वरूप है उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, संतों की निंदा होने लगेगी, और सबसे बड़ी बात जब आपका नाम लिया जाएगा लोग पूछेंगे किसका शिष्य है। तो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी का नाम आएगा और उनके नाम पर कलंक लगेगा। इसलिए महाराज आप इस स्वांग को खत्म करिए। अब आपको कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा जिस चमत्कार से दुनिया समझ जाए कि आपने जो किया वो केवल स्वांग मात्र था। तो क्या चमत्कार करे? विचार आया कबीरदास जी को कि हम राजा के पास पहुंच जाएं। राजा के पास जाकर के श्री कबीरदास जी एक लीला करते हैं। कबीरदास जी ने अपने उस कलंक को हटाने के लिए एक चमत्कार दिखाया। राजा के दरबार में पहुंचे, जो राजा कबीरदास जी को देख के एकदम आसन से खड़ा हो जाता था, प्रणाम करने लगता था, आज वो बैठा रहा, कबीरदास जी को देख करके भी बैठा रहा, ना प्रणाम किया ना हाथ जोड़े। तब कबीरदास जी ने एक चमत्कार दिखाया। कबीरदास जी सभा में बैठे थे, बैठे बैठे ही कबीरदास जी ने जगन्नाथ भगवान का ध्यान किया, और जगन्नाथ भगवान का ध्यान करते करते मानसिक रूप से ही जगन्नाथ जी पहुंच गए। और वहाँ उन्होंने क्या देखा, एक जगन्नाथ भगवान का एक पंडार रसोईया हाथ में थाल लेकर के उस थाल को सजा करके ठाकुर जी के समक्ष ले जा रहा था, और जैसे वो लेकर के थाल जा रहा है उसके मार्ग में एक अग्नि का दहकता हुआ अंगारा पड़ा था। पन्ना को ध्यान ही नहीं रसोई को कि आगे अंगारा है, वो चलता ही जा रहा है। तब
श्री कबीर दास जी ने उसे देख लिया और उनके हाथ में एक जल का पात्र था, उस पात्र को लेके जहाँ सभा में बैठे थे वहीं उन्होंने पानी अंगारे पर डाल दिया। अब सभा में राजा को तो ये दिखाई दिया कि उन्होंने पात्र में पानी फैला दिया, और जब पूछा कबीरदास जी को कि ये जल आपने यहाँ क्यों फैला दिया, तो कबीरदास जी ने बताया कि ये जल जगन्नाथ जी के एक पंडा जी हैं, उनका पांव जलने वाला था, उनको बचाने के लिए उस अंगारे पर हमने पानी डाल दिया। अब राजा ने दूत से पता कराया कि पता करो क्या ऐसी घटना जगन्नाथ जी में हुई है, और जब दूत ने पता किया तो ये वास्तविक घटना थी। ये देख करके राजा समझ गया कि कबीरदास जी कोई अद्भुत सच्चे महापुरुष हैं, और आकर के पुनः कबीर के चरणों में राजा गिर पड़ा और श्री कबीरदास जी ने उसको क्षमा दान दिया। बड़ा विशाल चरित्र है कबीरदास जी का, पर हम सूक्ष्म में ही श्रवण कर रहे हैं। अब कबीरदास जी के प्रताप को देख करके राजा नतमस्तक हो गया, पर ब्राह्मणों की ईर्ष्या अब भी कम नहीं हुई। अब ब्राह्मणों ने सोचा ये राजा तो कुछ करेगा नहीं, ये तो इनके चरणों में गिर पड़ा, एक काम करते हैं उस समय का बादशाह सिकंदर लोदी है उसके पास जाते। तो सिकंदर लोदी के पास लोग गए और जो कबीर की माँ है उनको भी अपने बातों में बहला फुसला के कि मुसलमान का पुत्र हो के देखो तुम्हारा बेटा राम राम गाता है, उनको भी साथ ले गए बादशाह के पास। बादशाह को जाकर के माँ ने भी और समस्त लोगों ने शिकायत की। तब बादशाह ने आज्ञा दी सिपाहियों को कि जाओ कबीर को पकड़ के लाओ। अब कबीरदास जी को पकड़ के लाया गया। अब जब भी कोई बादशाह के सामने खड़ा होता है तो सबसे पहले बादशाह को प्रणाम किया जाता है, पर कबीरदास जी आए और आकर के खड़े हो गए, ना हाथ जोड़े, ना सलाम किया, ना सर झुकाया। अब लोगों ने कहा साथ वाले ने कि कम से कम अरे इनको प्रणाम तो कर लो। तो कबीर ने कहा जानो राम। कबीर जी की अनन्य भक्ति है कि कहते मैं अपने परमाराध्य राम को छोड़ करके और किसी को बादशाह नहीं मानता, मेरा एक ही बादशाह है राम, और मेरा मन उनमें अनन्यता से उनको अपना राजा मान चुका है, अब मुझे दूसरे के चरणों में सर झुकाने की आवश्यकता नहीं। अनन्यता में यही होता है, जब चित्त अनन्य होता है, एक के प्रति समर्पित हो जाता है, उसके बाद किसी प्रकार की कोई मांग नहीं बाकी रह जाती। किसी के सामने गुलामी करना, सर झुकाना, ये अनन्य भक्त का लक्षण नहीं। तो जानो न सलाम, कहो सांची में कलाम, बात दूसरी हराम, जग जानो एक राम है। कबीर ने मना कर दिया, मेरा सर इस बादशाह के सामने नहीं झुकेगा। बादशाह को क्रोध आया, जाओ इस कबीर को पानी में जल में डुबा दो। देखो अब प्रहलाद जी के अवतार है ना, तो प्रहलाद जी के साथ साथ जो जो घटना घटी वो सब कबीरदास जी के साथ घटी। पहले पानी में डुबाया, जंजीरों से बांध करके गंगा जी में फेंक दिया, मर जाएगा, पर दयालु भगवान ने ऐसी कृपा की कि गंगा की एक धार आई और उससे कबीरदास जी गंगा के तट पर पहुंच गए। सिकंदर को पता लगा, अच्छा तो कहा इसको लकड़ियों का एक ढेर बना के आग जलाओ और उसके बीच में से बिठा दो। अग्नि पर बिठाया, पर विफल उपाय भय, सारे उपाय विफल हो गए। अग्नि कैसे जला सकती है, अरे अग्नि जिससे उत्पन्न हुई है उसका भक्त है कबीर, भला कैसे उसका बाल वाका कर सकती है। कभी नहीं, कोटि विघ्न सर पर परे, कोटि दुष्ट को साथ, तुलसी कछु ना कर सके जो सहाय रघुनाथ। जिसके सहायक रघुनाथ तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। रही मन को का करे ज्वारी चोर लवार,
जो पति राखन हार है माखन चाखन हार। जिसका रखवाला माखन चोर हो कौन बिगाड़ेगा उसका। तो अग्नि में बिठाया, पानी में, कुछ नहीं हुआ। अंत में क्या किया, एक हाथी को, भयानक बड़ा हिष्ट पुष्ट हाथी, उसको मदरा पिला करके कबीर के सामने छोड़ दिया गया। कबीर दास जी के सामने हाथी आया, चिंगाड़ता, जो सामने आता सबको पांव से कुचलता कुचलता कबीर के सामने पहुंचा। और जैसे कबीर के सामने पहुंचा, देखते ही तुरंत वहां से मुड़ करके वापस जाने लगा। जैसे कबीर को देखा, मुड़ के वापस जा रहा। महावत ने लाख प्रयास किया उसको आगे अंकुश मार करके कबीर की ओर ले जाने की, लेकिन हाथी बार बार प्रयास करने पर भी वापस आ जाता है। सिकंदर लोधी ने महावत से कहा, रे क्या कर रहा है तू, इस हाथी को आगे क्यों नहीं ले जाता। महावत ने कहा, बादशाह आगे हाथी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सामने एक सिंह खड़ा है, एक शेर खड़ा हुआ। शेर, राजा ने कहा मुझे तो कहीं दिखाई नहीं। बोला आप इधर आइए तो सही, आप तो वहां ऊपर बैठे हो। सिकंदर लोधी आया, उसने देखा और जैसे देखा कबीर के सामने गर्जना करता हुआ एक सिंह खड़ा था। और जैसे महावत और हाथी आगे आए, सिंह दौड़ करके आया और आकर के जोर से हाथी पर प्रहार किया और हाथी का वहीं प्राणांत हो गया। जैसे भगवान नरसिंह ने सिंह के रूप में प्रकट होकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही श्री कबीर दास जी को भी सिंह के रूप में नरसिंह भगवान ने आज प्राणों की रक्षा की है। तब से सिकंदर लोधी भी कबीर दास जी का दास बन गया और बार बार वो कबीर दास जी के दर्शन के लिए आता रहा। अब फिर ब्राह्मणों को ईर्ष्या हुई। अब कबीर दास जी को देखा कि अब तो बादशाह सिकंदर भी इनके चरणों में पड़ा रहता, अब फिर ईर्ष्या में जलने लगे। अब क्या करे, पहुंच गए कबीर दास जी के घर। एक ब्राह्मण ने जाकर के झूठ मूठ पूरे क्षेत्र में हल्ला मचा दिया कि कबीर दास जी के घर भंडारा है, सब ब्राह्मण आ जाइए, सब साधु पहुंच जाइए। अब तो सारे साधु, रामानंदी, गौड़िया और जितने भी संप्रदाय वाले सब जय जय राम, सीता राम, हरे कृष्णा, राधे राधे करते करते पूरी साधुओं की जमात कबीर दास जी के घर पहुंच गई। कबीर दास जी ने सबको प्रणाम किया, महाराज मेरे अहो भाग्य आप सब पधारे, कहिए क्या सेवा करूं। बोले अरे आज भंडारा है, हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, क्या कोई व्यवस्था नहीं है। अब कबीरदास जी समझ गए कि ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। कबीरदास जी बोले हाँ जी सारी व्यवस्था है, बस वो रायते में थोड़ा नमक नहीं है, नमक ले आते हैं बस। और नमक के बहाने कबीरदास जी निकले और फिर जा कर के छुप गए। ये तीसरी बार है जब कबीरदास जी जाके छुपे। अब दृष्टि बचा के ये तो हो गए 9-2-11। अब ठाकुर जी ने सोचा कि क्या करें, ब्राह्मण आ चुके हैं, ब्राह्मणों ने ये खूब प्रपंच किया है कबीर को फंसाने का, और अगर अब की बार नहीं बचाया तो पिछली जितनी बार बचाए वो सब किया धराए पानी में मिल जाएगा। तो आज फिर तीसरी बार कबीर दास जी की रक्षा करने के लिए भगवान कबीर का रूप धारण करके और अपने संग मनुष्य रूप में श्री हनुमंत लाल, अंगद जी, नल, नील सबको भंडारा बनाने के लिए अपने साथ ले आए। सब लोग मनुष्य रूप में आकर के खूब व्यंजन बनाते, व्यंजनों का पहाड़ बन गए। खूब भंडारा चल रहा है, चकाचक सब माल पा रहे हैं। अब ये सूचना कबीर के कानों पर पहुंच गई। जब भंडारा होता है ना, तब जोश में थोड़ी जयकार थोड़ी ज्यादा जोर से लग जाती है, जब बढ़िया कुछ खाने पीने मिल जाए। तो वो ध्वनि कबीर जी के कान में गई तो समझ गए कि भंडारा चल रहा है, ठाकुर जी आ गए हमारी लाज बचाने।
फिर सोचा कि दो बार ये आके चले गए और हमने दर्शन भी नहीं किए, चलो अब की बार दर्शन करने चलता हूँ। तो कबीरदास जी छुप छुपा करके अपने ही भंडारे में प्रभु का दर्शन करने आए और चुपचाप आकर के पंक्ति में सबसे पीछे बैठ गए और बस आंखें गढ़ा करके देख रहे हैं कैसे भगवान कबीर बने बने ये करो वो करो सब्जी लाओ ये लाओ पूरे भंडारे की व्यवस्था में लगे हुए। अब ठाकुर जी से कोई बात थोड़ी छुपी, भगवान जान गए कि ये जो भागा था वो यहीं छुपा है। तो श्री ठाकुर जी पूरी पंक्ति छोड़ के जिधर कबीर छुपे हैं वहीं पत्तल लेकर के जा रहे परोसने के लिए। अब कबीर ने देखा कि ये तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, छुप गए अपने आप को मानो पृथ्वी फट जाए और हम इसमें समा जाएं। लेकिन श्री ठाकुर जी आए और आकर के कहते हैं, क्यों जी पहले तो तुम भाग गए, अब जब भंडारा चालू हो गया तो यहाँ आ गए। अरे मालिक ही गायब था तो भंडारा काय बात का। कबीरदास जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। हे प्रभु आज मैं कृतार्थ हो गया, अपने रूप में आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्याति धन्य हो गया। मैं क्या कहूँ, जो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़ करके पत्तलें दे रहा है भोजन परोस रहा है ऐसा भगवान और कौन हो सकता है। एक बड़ा प्यारा भजन है, समय तो नहीं है पर है बहुत प्यारा और भक्त चरित्र के संगत भी है उसमें। तो दो लाइन उसकी गाते हैं कि ठाकुर जी कैसे अपने भक्त के लिए सब छोड़ देते हैं, अपना सब वैभव छोड़ करके मनुष्य लोक में मानव बन के आ जाते हैं। वैकुंठ के सुख छोड़ कर भक्तों के पीछे दौड़ कर हो साथ फिरते दर बदर उठाया चक्र तूने
निर्धन सुधामा था बड़ा उपकार, उपहार लेकर था खड़ा, वैभव तुम्हारा घबरा रहा है कि अरे कहाँ ये कहाँ मेरे चावल, पर भूखे से तुम खाने लगे तंदुल की गठरी छीन कर। ऐसे प्रभु कबीरदास जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, भगवान ने इतनी रक्षा किसकी की है जितनी, बार बार आते रहे कबीर के पास कबीर रूप धारण करके। फिर वर्णन आता है, कबीर दास जी को मोहित करने के लिए एक अप्सरा आई है छलने के लिए, पर कबीर ने उस अप्सरा को भगवत ज्ञान दिया, तुम घर जाओ हमारी बहना, यहाँ तिहारो लेना न देना, राम बिना विष लागे ये बैना, जग मगात पट भूषण शारी उर मोतिन के हार, इंद्र लोक ते मोहन आई मोही करन भरतार, इन बातन को छोड़ देहु री गुण गोविंद के गाओ, तुलसी माला उर में पहिरो बेगी परम पद पाओ। कहाँ यहाँ पड़ी हो इस माया के चक्कर में, इन बातन को छोड़ दो और गुण गोविंद के गाओ। बस वो अप्सरा कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़ी, हृदय शुद्ध हो गया। इसके उपरांत कथा आती है श्री कबीरदास जी के पुत्र हुए कमाल, इन कमाल को भी कबीरदास जी ने राम नाम के प्रताप से जीवित किया है। कबीरदास जी एक बार किसी संबंध में प्रयाग में कुंभ दर्शन के लिए गए हुए थे। वहाँ पर सिकंदर लोधी एक मुसलमान फकीर के साथ आया हुआ था, तो सिकंदर लोधी का मिलन हुआ, कबीरदास जी से दोनों मिले।
अब जो उनके साथ जो फकीर शेखत जो आया था उसको कबीर दास जी का कोई चमत्कार देखना था। तो क्या हुआ कि जो गंगा का स्नान है, त्रिवेणी स्नान करने के उपरांत निकल गए सिकंदर लोदी और कबीर दास जी गंगा से बाहर आए, तभी एक शव पानी में बहता हुआ आ रहा था। जैसे ही वो शव पानी में बहता कबीर जी के समक्ष आया तो कबीर दास जी ने आवाज लगाई, राम कहा और राम कह कर के कहा, ए बालक तू कहाँ बहा जा रहा है, आ उठ और राम का नाम ले। ये कहते ही वो बालक उठा और मरने के उपरांत कबीर दास जी के मुख से राम नाम सुन के वो उठा और राम 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 कहने लगा। सिकंदर लोदी जैसे ये दृश्य देखता है तो मुख से निकला, वाह कमाल है कमाल है कमाल है। बस उस पुत्र का नाम कबीर दास जी ने कमाल रख दिया, घर ले आए और उसके उसका पुत्र समान पालन करने लगे। और कहते हैं जितने परम भक्त कबीर दास जी हैं उससे भी बढ़कर बड़े भक्त उनके पुत्र कमाल हुए हैं। कोड़ी ते हीरा भयो, हीरा ते भयो लाल, आधे भक्त कबीर थे पूरे भक्त कमाल। ऐसी परम भक्ति कमाल ने पाई, एक पुत्री भी थी कमाली, वो भी ऐसे ही प्राप्त हुई। एक राजा की बेटी मर गई थी, उसको सूचना मिली कि कबीर दास जी मरे हुए को जीवित कर देते हैं। कबीर को बुलाया गया, उस पुत्री को कबीर ने कहा, बेटी उठ तेरा पिता राजा तुझे बुला रहा है। वो नहीं उठी, फिर कहा, उठ बेटी तेरा पिता कबीर तुझे बुला रहा है। ये सुनते ही वो उठ गई। और फिर जब समय आया तो कबीर दास जी के साथ उन्हीं को पिता समान मान के कमाली रहने लगी। इस प्रकार कबीर दास जी के दो पुत्र हैं, कमाल और कमाली। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस जो कबीर दास जी के चरित्र में बहुत जानने योग्य है, जो लोग क्योंकि कबीर दास जी में कुछ लोग निर्गुणवादी हैं कुछ सगुणवादी हैं, उसके लिए भक्तमाल में लिखा है कि कबीर दास जी कभी कभी समाधि में बैठ जाते थे और समाधिस्थ होकर के शरीर को छोड़ करके योग क्रिया के द्वारा मन से तीर्थाटन पर चले जाते, सूक्ष्म शरीर से तीर्थाटन पर चले जाते, शरीर बस वहां बैठा रहता। एक बार कबीर दास जी शरीर वहीं था, आत्मा से चित्त से शरीर छोड़ के तीर्थ पर चले गए। तो जब वो तीर्थ पर गए थे पीछे से एक प्रेत ने उनके शरीर में आकर के वास कर लिया, कबीर जी के शरीर में आके वो प्रेत बैठ गए। अब लोगों को तो पता नहीं, सब समझते कबीर दास है। अब वो प्रेत कबीर दास जी के शरीर से उल्टे सीधे उपदेश देने लगा, गलत उपदेश देने लगा, जिस पद्धति की भक्ति कबीर दास जी करते थे उस पद्धति के विरोध में उपदेश देने लगा। पर कबीर दास जी के जो शिष्य थे उन्होंने देखा कि पहले जो उपदेश देते थे वो तो बड़े कठिन थे, नियम कठिन थे, पर अब जो उपदेश कबीर जी दे रहे हैं वो बड़े आसान हैं। तो कबीर दास जी के शिष्य, कुछ शिष्य उनके उस उपदेश को मानने लगे। कुछ समय बाद जब कबीर दास जी वापस आए, देखा शरीर में प्रेत घुस गया है, तो योग बल से उसको बाहर निकाला और अपने शरीर से कबीर जी अपने शरीर में प्रवेश कर गए। अब शिष्यों को बताया कि बीच में जो उपदेश तुम सबको सुनने को मिला वो वास्तविक में नहीं था, वो कोई प्रेत आत्मा थी, इसलिए उस उपदेश को भूल जाओ और जो मैं तुम्हें कहता हूँ उसको मानो। लेकिन वो शिष्य अब भी उसी उपदेश पर अड़े रहे। और ऐसा भक्तमाल में लिखा है कि तब से ही कबीर में दो पंथ हो गए, एक वो जो वास्तविक कबीर दास जी के जो सगुण रूप का अनुसरण करते हैं, और एक वो जिस समय वो प्रेत आत्मा कबीर दास जी के शरीर में विराजमान था वो उपदेश जो उसने दिए कुछ उसको मानने लगे। वो प्रथा आज तक भी चली आ रही है, इसलिए कबीर में दो पंथ माने गए। पर वास्तविकता में कबीर दास जी पूर्ण रूप से भगवान के परम अद्भुत भक्त रहे हैं। अंत में
ऐसा वर्णन आता है कि मृत्यु के पहले ही कबीरदास जी को आभास हो गया और कबीरदास जी ने निश्चित कर दिया कि मैं पंचभौतिक शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ। समाधि ले ली और जब उस समाधि को खोला गया तो उसमें कुछ पुष्प मिले, फूल मिले। कबीरदास जी पहले ही कह के जा चुके थे कि इस पुष्पों को अपनी अपनी धर्म की विधि अनुसार अपने अपने धर्म में तुम स्थापित कर देना। तो जो मुस्लिम थे उन्होंने उस रूप में उस पुष्पों को समर्पित कर दिया और जो सनातनी थे उन्होंने सनातन रूप में श्री कबीरदास जी का अंतिम संस्कार किया। तो ऐसे भक्त कबीरदास जी हुए हैं जिनकी अनंत कथा है। खुद बाबा तुलसीदास जी आए कबीरदास जी का दर्शन करने, मृत्यु के उपरांत कबीरदास जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया था।